नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बारे में और देखेंगे कि बीजेपी या फिर कांग्रेस जीतती है तो इससे हमारे देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमारे आने वाले 5 साल कैसे रह सकते हैं। कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूँ ये फिर से कभी नहीं। जैसे आप सब लोग जानते हो कि इंडियन जनरल इलेक्शन बस इंडिया का नहीं बल्कि पूरे दुनिया का एक चर्चा का विषय रहता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी चेंज अगर भारत में आने वाला हो तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाएगी इस पे काफी डिपेंड करता है। तो चलिए जानते हैं कि पीएम की गद्दी पर कौन सी सरकार बैठेगी और इससे हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव आएगा। पहले हम देखेंगे अगर बीजेपी जीतती है तो उसके क्या इम्पैक्ट देखने मिल सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बीजेपी सरकार अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म को आगे बढ़ाती रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और नए जॉब क्रिएट भी होंगे। एक तरह से मोदी जी का मेक इन इंडिया प्लान ज्यादा तेजी से इम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि सीनियर जर्नलिज्म शेखर गुप्ता कहते हैं कि बीजेपी का फोकस हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ पर रहा है और ये ट्रेंड आगे भी जारी रह सकता है। डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, बीजेपी गवर्नमेंट का फोकस नेशनल सिक्योरिटी पर रहेगा। मेक इन इंडिया इनिशिएट के तहत डिफेंस प्रोडक्शन को और बूस्ट किया जाएगा। भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोमेटिक्स जैसे कंपनीज को इससे काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अपना देश और स्ट्रांग और सिक्योर होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि मेक इन इंडिया इनिशिएट से डिफेंस सेक्टर में बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना जैसे वेलफेयर स्कीम्स को और एक्सपांड किया जाएगा। रेलवे, रोड, स्मार्ट सिटीज इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। IRCTC, IRFC जैसे स्टॉक्स पहले से ही ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। आने वाले टाइम में और भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर बीजेपी फिर से सरकार में आती है तो कौन से नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला है बीजेपी की पॉलिसीज। बीजेपी की पॉलिसीज बिजनेस फ्रेंडली जरूर है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इससे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में इंपैक्ट पड़ सकता है। एक तरह से ये गरीब और मिडिल क्लास के लिए मुसीबत बन सकती है। सोशल रिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज पे भी काम हो सकता है। इससे सोसाइटी में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पे ज्यादा खर्चा करने से फिस्कल डिफिसिट बढ़ सकता है। इससे इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। फिस्कल प्रिडेंस को ध्यान में रखते हुए स्पेंडिंग को मैनेज करना होगा। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। मनरेगा जैसे स्कीम को एक्सपांड किया जाएगा। इससे रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी और पॉवर्टी कम होगी, ताकि लोगों को अपना घर छोड़ के मीलों दूर जाना ना पड़े। पब्लिक हेल्थ केयर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर फोकस रहेगा। इससे लॉन्ग टर्म में सोशल वेलफेयर बेटर होगा और मिडिल क्लास को भी इसका फायदा मिलेगा। सर्वेस दिखाते हैं कि हेल्थ केयर और एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है। वेलफेयर एंड इंक्लूजन ग्रोथ, कांग्रेस का फोकस हमेशा वेल्फेयर स्कीम्स और इंक्लूसिव ग्रोथ पे रहा है। हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा किया जाएगा जो सोशल इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करेगा। एक तरह से सबका साथ और सबका विकास। एक्सपर्ट भी कहते हैं कि कांग्रेस की वेलफेयर पॉलिसी से ग्रास रूट्स लेवल पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा, मतलब कांग्रेस ज्यादातर गरीबों के लिए काम करेगी। अब बात करते हैं कि इलेक्शन का मिडिल क्लास पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर बीजेपी जीत जाती है तो टैक्सेशन रिफॉर्म्स और डिजिटलाइजेशन पे मिडिल क्लास को थोड़ी सी रिलीफ मिल सकती है। अगर कांग्रेस जीत जाती है तो उससे मिडिल क्लास लोगों पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में बढ़ोतरी से मिडिल क्लास लोगों को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे गरीबों के साथ साथ मिडिल क्लास भी अच्छी लाइफ जी पाएंगे। एजुकेशन और हेल्थ, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से मिडिल क्लास की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। बच्चों की एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज अफोर्डेबल हो जाएंगे। सर्वेस दिखाते हैं कि सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से मिडिल क्लास के हैप्पीनेस इंडेक्स में इंप्रूवमेंट होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और इससे मिडिल क्लास को भी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं पोल्स और प्रेडिक्शन की, जो इलेक्शन के आउटकम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट देती है। बहुत सारे सर्वेज और ओपिनियन पोल्स देखते हैं कि बीजेपी को 2024 इलेक्शन में स्ट्रांग पोजीशन मिल सकती है। एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 280 से लेकर 300 सीट्स मिल सकती है, जो कि मेजोरिटी के लिए काफी है। सीनियर जनरलिस्ट राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि बीजेपी को वोटर बेस काफी स्ट्रांग है और मोदी जी की पॉपुलैरिटी भी उनके फेवर में काम कर रही है। कांग्रेस भी अपने वोटर बेस को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। एक सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 150 से लेकर 170 सीट्स तक मिल सकती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रणव रॉय कहते हैं कि अगर कांग्रेस रीजनल पार्टीज के साथ इफेक्टिव अलायंस बनाने में सफल हो जाते हैं तो बीजेपी को टफ कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। अगर बीजेपी सिंगल पार्टी मेजोरिटी में नहीं जीत पाती तो NDA कोएलिशन के साथ वो सरकार बनाने में सफल हो सकती है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है कि NDA का वोटर बेस काफी स्ट्रांग है जो बीजेपी के फेवर में जा सकता है। कांग्रेस अगर कुछ रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर कोएलिशन बनाती है तो एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर
कर सकते हैं, लेकिन ये कोलिशन कितनी इफेक्टिव होगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों ये थे बीजेपी और कांग्रेस के जीतने पे देश पे पड़ने वाले पॉसिबल असर। हर पार्टी के अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती है और इलेक्शन के रिजल्ट से हमारी लाइफ में कई चेंजेस आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार आए वो देश हित में सोचे, करप्शन का MHO, क्राइम रेट का MHO, एम्प्लॉयमेंट मिले, टैक्सेस में थोड़ी राहत मिले और हर भारतीय आराम की और चैन की जिंदगी गुजार सके। ये हमारा ही कर्तव्य है कि हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन देश को आगे बढ़ाए, एक दूसरे का साथ दे, गलत को गलत कहे और सही को सही कहे। ये वीडियो सिर्फ स्पेकुलेशन पे बेस्ड है और किसी भी तरह ये फाइनेंशियल या फिर पॉलिटिकल एडवाइस नहीं है। इलेक्शन के असली रिजल्ट्स आने के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।